दूसरे इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसका एक पद लिखा है, आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। मेरे मित्रों, हमने अपने पद में देखे हैं कि उत्तरी राज्य इसराइल की प्रजा यहूदा की ओर आकर्षित हो रही थी क्योंकि उन्होंने आसा का धर्म सुधार देखा था, परंतु बाशा उन्हें दक्षिण राज्य यहूदा जाने से रोकना चाहता था। वह उन्हें अपने ही राज्य में रखना चाहता था। हम देखते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय के 2 और 3 पद में, तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी आराम के राजा बेनहदद के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे तेरे मेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच में वाचा बांधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इसराइल के राजा बासा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। प्रियो, ध्यान दीजिए, इसराइल आसा और यहूदा का कट्टर बैरी हो गया था और अब आसा क्या करे? वह अपने पुराने मित्र की ओर निहारता है। आराम का राजा बेनहदद, इसका क्या अर्थ है? यह परमेश्वर में उसके विश्वास की कमी थी। हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, बेनहदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इसराइली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, अबेलमयम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगर को जीत लिया। मेरे प्रियो, आराम के राजा ने तुरंत अपनी सेना भेज दी और युद्ध किया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, यह सुनकर बाशा ने रामा का दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बासा काम करता था उठा ले गया और उनसे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वह सफल तो हुआ परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। दूसरे इतिहास के पुस्तक 16 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या तू कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आशा को झिड़कने के लिए भविष्यद्वक्ता क्यों भेजा? परमेश्वर आशा को दंड क्यों देता है? उसके विश्वास की कमी के कारण। जागृति का तीसरा पुल जिसे हमें पार करना है वह है परमेश्वर में विश्वास। विधियों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, कलीसिया में नहीं, किसी तंत्र में नहीं और न ही किसी संस्था में। जागृति में परमेश्वर पर विश्वास होना आवश्यक है। बाशा ने यहूदा पर आक्रमण किया तो आसा ने उसके पुराने बैरी बेनहदद से सहायता मांगी। हनानी ने उसे स्मरण कराया कि उसके पास परमेश्वर द्वारा मुक्ति का प्रतीक प्रमाण है। परमेश्वर ने कुशियों और लुबियों को उसके हाथों में कर दिया था, परंतु इस संकट के समय उसने विश्वास की कमी का प्रदर्शन किया। मेरे प्रियो, हमें यह स्पष्ट समझ लेना है कि यद्यपि विश्वास का एक काम हमें बचा लेता है, वह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना है। हम जिस क्षण मसीह में विश्वास करते हैं उद्धार को प्राप्त करते हैं।
उद्धार पाने पर हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। मेरे मित्रों, हमें विश्वास का जीवन जीना होगा। पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखा, रोमियों के पत्र 1:16-17 में, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है? इसका अर्थ है कि हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं और हमें विश्वास में जीना है। हनानी ने आशा से कहा, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ऐसे स्त्री और पुरुष की खोज में है जो उसमें विश्वास करे। क्या आप वह व्यक्ति होना चाहते हैं जो परमेश्वर में विश्वास करे? मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप धर्मांध बन जाएं, परंतु यह कि आप वचन की अच्छी एवं ठोस गवाही पर परमेश्वर में विश्वास करें। क्या आप जानते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करने की संभावना आप में नहीं है? इब्रानियों के पत्र 11 में लिखा हुआ है, 6 में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जी हाँ, इब्रानियों का लेखक यह भी कहता है कि हमें गवाहों के बादल ने घेरा हुआ है। अतः इब्रानियों के पत्र 12:1 में लिखा है, हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। जी हाँ, यह पाप क्या है? अविश्वास। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। हम केवल विश्वास के द्वारा उद्धार ही ना पाएं। मेरे मित्रों, विश्वास का जीवन भी जिए। अनेक जन स्वयं को विश्वासी कहते तो हैं, परंतु उनका जीवन अविज्ञावादियों का सा हो जाता है। आइए हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 16:10 को पढ़ें। लिखा है, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था, और उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। मेरे मित्रों, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आशा झिड़की स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे इस बार विश्वास नहीं हुआ, और सच तो यह है कि परमेश्वर पर उसका विश्वास और निर्भरता में सच्चाई नहीं थी। परमेश्वर से रहित जीवन का अर्थ है हमारी आत्मिक मृत्यु। संसार में हमारे पास अन्य कोई भी मार्ग नहीं है कि उसके द्वारा हम परमेश्वर के काम को कर सकें या परमेश्वर के काम में आए। मित्रों, अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया। आइए आप मेरे साथ दूसरे इतिहास की पुस्तक 16:12 को निकालें। लिखा है, अपने राज्य के 19वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उसे असाध्य रोग से ग्रसित कर दिया। वह वैद्य के पास गया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, परंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उसने परमेश्वर को नहीं पुकारा। एक विश्वासी के लिए बीमारी में परमेश्वर को पुकारना या पुकार कर डॉक्टर को बुलाने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यह विश्वास ही नहीं करता, वरन चलता फिरता उदाहरण हो कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब मुझे यह स्पष्ट हो गया कि मुझे चर्म रोग है, तो डॉक्टर के पास नहीं गया, परमेश्वर के पास भी गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं विश्वास में चंगाई करने हारे प्रचारक के पास नहीं गया। मेरे प्रियो, मैं सबसे बड़े वैद्य के पास गया, जो रोगावस्था में आपको 2 करने आवश्यक होते हैं। आप डॉक्टर को बुलाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। नए नियम में संभवतः सबसे अधिक व्यवहार्य लेखक ने लिखा है, याकूब के पत्री 5:14 में,
यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसने कहा, दो काम करो। पहला है प्रार्थना, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के नाम की दुहाई देना, और दूसरा है रोगी पर तेल मलें। यह न तो अनुष्ठान है और न ही कोई धार्मिक संस्कार, यह एक प्रकार की औषधि है। उसने कहा कि परमेश्वर को पुकारें और डॉक्टर को भी बुलाएं। यह व्यवहारिक है। मेरे प्रियो, आशा ने डॉक्टर तो बुलवाया परंतु परमेश्वर को नहीं पुकारा। यह विस्मयकारी और दीनता की बात है कि जागृति का अनुभव करने वाला अपरमेश्वर की संगति में नहीं है और विश्वास का जीवन नहीं जी रहा है। कई बार लोग अपने जीवन में कई अनुभवों को प्राप्त करते हैं परंतु एक समय ऐसा आता है कि वे सिर्फ अनुभव मात्र रह जाते हैं और अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं चलाते हैं। मेरे मित्रों, विश्वास के जीवन का अर्थ है परमेश्वर में विश्वास। इसका अर्थ है कि हम अपनी समस्याएं और कठिनाइयां परमेश्वर के पास लाकर उसे हाथों में दे देते हैं। विश्वास ही है जो हमें उसका उत्तर जो भी हो स्वीकार करवाता है, क्योंकि वह अपने ही समझ से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। वह हमारी इच्छा का उत्तर न दे परंतु अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देता है। मेरे मित्रों, आप एक बात के लिए निश्चिंत हो जाएं, यदि आप सब कुछ उसके हाथ में दे देते हैं तो आप उसकी इच्छा में हैं और यही आपके लिए सर्वोत्तम उत्तर है। आप जो मांग रहे हैं उससे कहीं अधिक उत्तम वह आपको देता है। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के और अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी के कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। मेरे प्रियो, उन्होंने उसके लिए अनेक मोमबत्तियां जलाई। आसा के राज्य काल में यहूदा में जागृति आई थी। वह परमेश्वर के साथ आधे रास्ते को ही गया परंतु परमेश्वर ने उसे काम में लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं अध्याय 17 से, जिसका विषय है यहोशापात के राज्य में जागृति। मेरे मित्रों, बाइबल के इस भाग में दूसरी महान जागृति का विवरण दिया गया है। यह जागृति आसा के धर्म सुधार से भी कहीं बढ़कर थी। आसा का पुत्र यहोशापात परमेश्वर का एक अति उपयोगी साधन हुआ। स्मरण रखें कि इतिहास की ये पुस्तकें राजाओं के युग का परमेश्वरीय दृष्टिकोण प्रदान करती है और इनमें वही लिखा गया है जो परमेश्वर ने राजाओं के राज्यकाल में महत्वपूर्ण समझा था। आइए हम पढ़ें दूसरे इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इसराइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। कहने का अभिप्राय यह है कि उसने इसराइल में से सुरक्षित करने के लिए यहूदा को दृढ़ किया। दूसरे इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, और उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकसी बैठा दी। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पिछले अध्याय में इसराइल ने यहूदा से युद्ध किया था, अतः यहोशापात अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति तैयारी कर रहा था। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, और यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा। मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि लिखा है उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया, अर्थात दाऊद की युवावस्था के मार्ग को अपनाया, परमेश्वर पर विश्वास रखा, न कि वह चाल जब दाऊद वृद्धा अवस्था में था।
मेरे मित्रों, हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इसराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन और उसका विभव बढ़ गया। पुराने नियम में परमेश्वर की स्वीकृति का प्रमाण सांसारिक समृद्धि को माना जाता था। अब आइए आगे देखते हैं वचन की शिक्षा। दूसरा इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय 6 पद से लेकर के 9 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी, और उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेनहेल, ओबद्याह, जकरिया, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया, और उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबियाह और तुब्दोनियाह नाम लेविये और उनके संग एलिशमा और यहोराम नामक याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। मेरे मित्रों, आप समझें यहोशापात ने क्या किया। उसने सत्य वचन कार्यक्रम आरंभ किया और यहोशापात ने सबसे पहले बाइबल अध्ययन भी आरंभ किया। मेरे मित्रों, उसने लेवियों को नियुक्त किया क्योंकि उस युग में मशीनें तो थी नहीं, अतः उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर शिक्षा देना होती थी। यहोशापात ने सैकड़ों वरन हजारों की संख्या में शिक्षण कार्य के निमित्त लेविये नियुक्त किए। वे संपूर्ण राष्ट्र में फैल गए और वचन की शिक्षा देने लगे। मेरे मित्रों, जागृति का मार्ग यही है। जब तक कलीसिया परमेश्वर के वचन में लौटकर नहीं आ जाती, तब तक सच्ची जागृति नहीं आएगी। कलीसिया के भीतर या बाहर सब कार्यक्रम शून्य हो जाएंगे जब तक कि वे परमेश्वर के वचन पर आधारित ना हो। आज निसंदेह अद्भुत कार्य हो रहे हैं। कुछ व्यवस्थित कलीसिया के भीतर हैं तो कुछ कलीसिया के बाहर हैं। यदि वे परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं तो निश्चय ही जागृति आना निश्चित है। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर के वचन की शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया को देखिए। दूसरे इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसके 10 से 12 पद में, और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया, वरन कितने पलिस्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरबी लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। मेरे प्रियो, यहोशापात के बड़े बड़े भंडार गृह बनाने पड़े कि आने वाली भेंटों को वहां पर रखा जाए। देखिए परमेश्वर उसे कैसी अद्भुत रीति से काम में ले रहा था। यहूदा में आई जागृति का प्रभाव पड़ोसी राष्ट्रों पर भी पड़ा। जागृति फैलने लगी, यहाँ तक कि पलिस्ती जो दाऊद के शाश्वत बैरी थे मित्र हो गए और सम्मान प्रदर्शन हेतु भेंट भेजने लगे। जागृति अरबों में भी प्रवेश कर गई। उन्होंने यहोशापात को भेंट स्वरूप पशु भेजे। मेरे मित्र, आप यह भी देखेंगे कि उसके राज्य में युद्ध नहीं हुए। आत्मिक जागृति युद्ध का उपचार है। यदि कोई राष्ट्र शांति चाहता है तो उसे परमेश्वर के निकट आना होगा। यह परमेश्वर की विधि है और सदा रही है। यदि कोई राष्ट्र युद्ध में उलझा रहता है तो इसका अर्थ है कि वह राष्ट्र परमेश्वर से विमुख है। हम दूसरे इतिहास के पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। मेरे मित्रों, यद्यपि यह समय शांति का था, यहोशापात के पास सुरक्षा हेतु सेना थी।
अगले कुछ पदों में उसके सेना के प्रधानों के नाम है। वह एक महान शासक था। यदि वैरी आक्रमण करता तो उसने परिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी, परंतु परमेश्वर ने उसे शांति का समय दिया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय उसके 19 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। वे ये हैं कि जो राजा की सेवा में लवलीन थे और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। मेरे प्रियो, यहोशापात हर प्रकार से एक महान राजा था। अब हम उसे ऐसा काम करते हुए देखेंगे जिस पर हमें विश्वास नहीं होगा। मेरे मित्र, क्या आज आपके शहर में या नगर में शांति है? क्या आपके कलीसियाओं में जागृति है? यदि नहीं है तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके नगर में जागृति आ सके। यहोशापात ने यही किया और परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुतायत से आशीष दिया, और इतना ही नहीं, उसके समय काल में शांति दी। क्या आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, आपकी कलीसियाओं में जागृति आए? यदि हाँ, तो आज अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं, उसके वचन को अपने हाथ में लें और लोगों तक पहुंचाएं, और निश्चय जानें कि परमेश्वर आपको अपने लिए प्रयोग में लाएंगे।